तो जी हाँ नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं गोलू बाबा और आप देख रहे हैं दोस्तों बाबा न्यूज भोजपुरिया। दोस्तों बहुत सारा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा था कि आप धनंजय धड़कन और अवधेश प्रेमी का जो फिल्म है दोस्तों पीवा हिंदुस्तानी के बारे में वीडियो बनाए। तो हमने सोचा इस फिल्म में जो जो अंतर है पीवा हिंदुस्तानी और कफन तारा दुपट्टा की जो फिल्म है दोस्तों, इन दोनों फिल्म में क्या अंतर है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू से अंत तक आप देखें तब इस फिल्म के बारे में आपको अंतर समझ में आएगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो का एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और अपने मीठे मीठे बात को भैया कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं बता दूं दोस्तों, सबसे पहले बात धनंजय धड़कन का जो फिल्म है कफन तारा दुपट्टा के और अवधेश प्रेमी का जो फिल्म है दोस्तों पीवा हिंदुस्तानी, सबसे पहला अंतर यह है कि धनंजय धड़कन का जो फिल्म है दोस्तों कफन तारा दुपट्टा के, इस फिल्म को पीवा हिंदुस्तानी के पहले शूट किया गया। और पीवा हिंदुस्तानी जो फिल्म है दोस्तों कफन तारा दुपट्टा के फिल्म के बाद शूट किया गया है, पहला अंतर यह है। दूसरा अंतर यह है दोस्तों, कफन तारा दुपट्टा के जो फिल्म है दोस्तों इसे दिल्ली और बिहार के अच्छे अच्छे लोकेशन में शूट किया गया है, और पीवा हिंदुस्तानी जो फिल्म है दोस्तों उस फिल्म को रायपुर में शूट किया गया है, एक ही स्थान पर अच्छे अच्छे लोकेशन में शूट किया गया दोस्तों। तीसरा इस फिल्म में अंतर है दोस्तों, कफन तारा दुपट्टा के इस फिल्म में स्टार कास्ट मात्र एक ही है जिसका नाम है दोस्तों धनंजय धड़कन, और पीवा हिंदुस्तानी जो है दोस्तों उस फिल्म में 5 स्टार कास्ट है। इस स्टार कास्ट का नाम है दोस्तों अवधेश प्रेमी, मिठू मार्शल, नेहा श्री, तनुश्री और बतासा चाचा जिसे हम लोग मनोज टाइगर के नाम से जानते हैं। और चौथा इस फिल्म में दोस्तों, इन दोनों फिल्म में अंतर यह है कि कफन तारा दुपट्टा का ये जो फिल्म है दोस्तों ये थोड़ा कम बजट का है, और पीवा हिंदुस्तानी दोस्तों ये थोड़ा अधिक बजट का है। अधिक बजट का इसलिए है क्योंकि इसमें 5-5 स्टार कास्ट काम कर रहे हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं इस फिल्म में कितना बजट खर्चा हुआ होगा, इसलिए ये फिल्म दोस्तों थोड़ा महंगा है, बजट वाला है। और मैं बता दूं दोस्तों, कफन तारा दुपट्टा के और पीवा हिंदुस्तानी ये जो फिल्म में सबसे बड़ा फर्क ये है दोस्तों, आप लोग को बता दें इस फिल्म में यही सबसे बड़ा फर्क है कि धनंजय धड़कन का जो फिल्म है दोस्तों कफन तारा दुपट्टा के और अवधेश प्रेमी का जो फिल्म है दोस्तों पीवा हिंदुस्तानी, इस समय आप सबसे बड़ा फर्क बता दें जो कि एकदम राइट है, और आप लोग भी इस चीज को जानते होंगे दोस्तों। हो सके आप पहले हमसे पहले जान रहे हैं, यदि जान रहे तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए भैया। और ये जो पांचवा दोस्तों सबसे बड़ा अंतर ये है, ये सुनकर आपको ताजुब लगेगा, मैं बता दूं दोस्तों, ये जो फिल्म है दोस्तों कफन तारा दुपट्टा के पीवा हिंदुस्तानी से पहले शूट हुआ, ठीक ना, लेकिन इस फिल्म का अभी तक ट्रेलर रिलीज ना टीजर रिलीज हुआ है। और पीवा हिंदुस्तानी जो फिल्म है दोस्तों, इस फिल्म को अभी हाल ही में शूट खत्म किया गया है और इस फिल्म का टीजर आ गया है दोस्तों आरसीएम म्यूजिक से, मतलब जो चीज सबसे पहले हुआ उस फिल्म का अभी तक ना ही ट्रेलर आया है ना ही टीजर आया। इसका कारण आप लोग जानते होंगे दोस्तों, इसका कारण मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाहता। और जो पीवा हिंदुस्तानी फिल्म है दोस्तों उसका टीजर बहुत जल्दी आ गया दोस्तों, इस फिल्म को मतलब आने में हमको लगता है जल्दी देरी नहीं लगेगा, लेकिन कफन तारा दुपट्टा के क्या जो होगा दोस्तों, सभी लोग बोल रहे हैं अब आएगा, लेकिन क्या बोले दोस्तों, कुछ विवादों के कारण धनंजय धड़कन का जो फिल्म है दोस्तों कफन तारा दुपट्टा के वो फिल्म नहीं आ पा रहा है। यही पांच अंतर था दोस्तों इस फिल्म में, पांचवा अंतर यही था दोस्तों, आप लोगों को फिर मैं बता दूं कि पांचवा अंतर यही था कि सबसे पहले शूट हुआ दोस्तों धनंजय धड़कन का फिल्म कफन तारा दुपट्टा के, वो फिल्म का अभी तक ट्रेलर ना ही टीजर आया है, और पीवा हिंदुस्तानी का शूट खत्म हुआ तुरंत ट्रेलर और टीजर रिलीज हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये था पांच अंतर कफन तारा दुपट्टा के और पीवा हिंदुस्तानी के फिल्म में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों वीडियो का एक लाइक का बटन दबा के अपने मीठे मीठे बात को भैया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।